पीपल्स पार्टी आ, पंजाब में आप काफ़ी दिनों से हैं यहाँ पे सी सी भी चल रही है ये बताएं कि सी सी में आप लोगों ने आप लोग तो बड़े जमहूरी लोग हैं तो इसमें तो बड़ी तश्वीश आप लोगों ने कहा होगा इसका इजहार किया होगा कि यार ये क्या चल रहा है कि आर्मी चीफ डॉलर कंट्रोल कर रहे हैं ये सिविल गवर्नमेंट के काम है सिविल गवर्नमेंट के बिल्कुल काम है और इसमें आर्मी चीफ आप कहें या जो भी वो इदारे हैं जो कि बॉर्डर कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उनके अंडर भी हैं और डेढ़ के अंडर भी हैं क्योंकि जब स्मगलिंग बंद हुई है बॉर्डर्स बंद हुए हैं उस पर सख्ती हुई है तो उसके बाद जो स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा रुक चुकी है और डॉलर्स भी रुके हैं तो इसलिए जो है एक डॉलर की कीमत भी कम हुई है स्मगलिंग से जो है बाहर जाने का सामान जो है वो भी कम हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि आप लोगों ने अप्रीशिएट किया आर्मी चीफ साहब के इस दाम को बॉर्डर कंट्रोल में तो अच्छी चीज़ है अगर इस मुल्क में अगर एक चीज़ भी डॉलर अगर पाँच रुपये भी नीचे आता है छह रुपये भी नीचे आता है दस रुपये भी नीचे आता है तो बहुत अच्छी चीज है, चीज़ है तो आपको लगता है कि इसका तसलसल तो होना चाहिए आर्मी चीफ को ये करते रहना चाहिए अपने आर्मी चीफ रेडी तो नहीं कर लेकिन जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बॉर्डर से मौजूद हैं वो करना चाहिए अगर ईरानी तेल पाकिस्तान आ रहा है फॉर एग्जाम्पल तो टैंकर से जरिए आ रहा है टैंकर तो पहाड़ चढ़ के तो नीचे नहीं आते ना रोड से ही आते हैं तो आप लोगों को अफसोस नहीं हुआ कि सोलह माह में आप लोग ये काम नहीं कर सके जो आर्मी चीफ ने एक महीने के अंदर कर दिया करना यह था देखें हमारी उस वक्त की इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमारे उस वक्त के आई डोंट नो क्या मजबूरी थी वो खुद बता सही कैबिनेट में तो आप भी थे नहीं, तो हम हमेशा तो हमेशा हम को और ओपनली स्मगलिंग जो तो मैं खुद जो है वो गवाह हूँ इस चीज को मेरे इलाके से ईरानी पेट्रोल गुजरता है और हम जो कहानियां सुनते थे कि जितने रात को जो है ना टैंकर के टैंकर गुजर रहे होते थे कोई पाबंदी नहीं थी नॉन कस्टम गाड़ियाँ गुजर रही थी कोई पाबंदी नहीं थी किस सपोर्ट थी सबके पीछे देखिए अगर ये चीज़ें आ रही हैं और चेक पोस्ट से गुजर रही हैं अगर पुलिस की चेक पोस्ट भी है या आई की भी चेक पोस्ट है तो सब उनके जो हेड्स हैं वो जोवार हैं उस चीज़ के और टोटली डायरेक्टली जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंटर है तो अब मुझे नहीं पता कि रन साहब की क्या मुश्किल थे या क्या थे उन्होंने भी कोशिश की होगी की थी या नहीं की थी ये तो वो बता सकते हैं लेकिन क्यों ऐसी चीज अगर टेंकर जो मैंने आपको बात की टेंकर तो आप जो है वो चुरा के नहीं ला सकते चलो बाकी चीज़ें तो आप चलो पहाड़ की इस तरफ वो तरफ टैंकर के लिए तो मेन रोड चाहिए